नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो टाइटल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना शॉपिंग हॉल। सो दिस इज गोइंग टू बी एन अमेज़न शॉपिंग हॉल। तो ये एक तरह का मिक्स शॉपिंग हॉल रहने वाला है। इसमें कुछ मैं विक्की के टी शर्ट्स जो मैंने उसके बर्थडे के टाइम में मंगवाए थे, काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने कौन से मंगवाए हैं, क्या गिफ्ट्स मंगवाए हैं, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए। तो वो सारे लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जो टी शर्ट्स वगैरह मंगवाए हैं मैंने, कुछ अपने लिए कपड़े मंगवाए हैं, वो सब मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो यस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद MHS। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ, MHS मतलब है माय हॉल स्टोर। सो बेसिकली क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा माय हॉल स्टोर का। तो इसमें क्या रहेगा ना, जितनी भी मैंने पहले शॉपिंग करी है अमेज़न के, जितने भी मेरे हॉल्स हैं, जो भी मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, आपको उन वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस नीचे लिंक को क्लिक करेंगे, ये एक मेरा स्टोर हॉल है अमेज़न का, जिसमें जो जो भी चीज़ें मैं अमेज़न से मंगवाती हूँ, चाहे वो कपड़े हो, मेकअप हो, स्किन केयर हो, वो सब कुछ इसमें आपको एक ही जगह पे दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका डिस्प्ले किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिख जाएगी, प्राइस भी दिख जाएगा। तो आपको एक एक लिंक जाकर के क्लिक करने की जरूरत नहीं होती है। तो इट्स लाइक इजी फॉर यू। एंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे मेरे कपड़ों से। तो मैंने जो सबसे फर्स्ट मंगवाया है वो मंगवाया है, मैंने अभी समर के अकॉर्डिंग टी शर्ट्स एंड टॉप्स मंगवाए हैं। एंड जितने भी लोग जो मुझे नॉर्मल यूजुअली टॉप्स पहने हुए देखते हैं, जैसे विक्की के बर्थडे के दिन जो मैंने पार्टी करा था उसमें जो टॉप पहना हुआ था ओनली का, वो भी इस हॉल में प्रेजेंट रहेगा। और मैंने लास्ट अमेज़न हॉल में आप लोगों को दिखाया था ऑलरेडी। तो जो सबसे फर्स्ट टॉप है वो मैंने मंगवाया है, सॉरी इसको मैंने एक्चुअली कल पहन के देखा था, वो है दिस ओनली का टॉप। तो एक्चुअली आप देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा ट्रांजी है कि पीछे से आपको पूरी लाइट दिख रही है। सो यस, दिस इज अ लिटिल ट्रांजी टाइप का टॉप है। आपको थोड़ा अगर आप कॉन्शियस होते हैं तो आपको एक इनर पहनना पड़ेगा, एंड अदरवाइज यू कैन वेयर न्यूट कलर का ब्रांड, यू कैन वेयर दिस। समर के लिए काफी अच्छा है, एंड था तो मुझे लगा तो बहुत ज्यादा अच्छा था। ये पहनने में बहुत ही पतला सा कपड़ा है एंड अमेजिंग। कलर्स वगैरह भी आप पास से देखेंगे तो कलर्स भी काफी ब्यूटिफुल से, एकदम पेस्टल जो शेड्स होते हैं ना, बिल्कुल लाइट डिम पेस्टल शेड्स, समरी शेड्स इनको मैं डिम नहीं बोलूंगी, इनको लाइट जो एकदम पेस्टल शेड्स होते हैं ना, उस तरह के शेड्स इसमें दिए हुए हैं। सो आई रियली लाइक इट। एंड इसका पैटर्न वैटर्न भी काफी अच्छा है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे लूज टॉप्स पहनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, सो दिस इज इन दैट पैटर्न ओनली। और ये है मेरा फर्स्ट टॉप। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट परचेस किया था वो किया है विक्की के लिए, ये जॉकी के शॉर्ट्स मंगवाए हैं। एंड मैंने तीन अलग अलग तरह के शॉर्ट्स मंगवाए हैं। तो यहाँ पर मैं पिक्चर लगा दूंगी कि किस तरह का है पहनने के बाद वो कैसे लगते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट शॉर्ट्स विच आई रियली लाइक इट, एंड उसको भी काफी ज्यादा पसंद आया। कॉटन का फैब्रिक है एंड बहुत ही कंफर्टेबल से है। इसका जो हमने साइज मंगवाया है वो एक्सेल मंगवाया है, क्योंकि उसको घर में पहनना है। वैसे तो उसको एल साइज आता है, बट क्योंकि उसको घर में पहनना है तो ही वॉन्ट एकदम वही लूज लूज वाला फंडा है। सो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो मैंने अपने लिए टॉप मंगवाया है वो मंगवाया है फॉरएवर 21 का। फॉरएवर 21 भी अमेज़न पे अवेलेबल है एंड काफी अफोर्डेबल, मतलब 500 के अंदर की रेंज में आपको उनमें काफी अच्छी वैरायटी वाले टॉप्स मिल जाएंगे। तो ये जो टॉप है ना, ये 399 रुपीज का, नहीं 399 या 299 ऐसे कुछ का था। सी प्राइजेस डिफर कर सकते हैं क्योंकि मैंने सपोज 10-15 डेज पहले मंगवाया है, वीडियो आप 15 दिन बाद देख रहे हो, कुछ ऑफ चल रहा होता है, कुछ सेल चल रही होती है, तो प्राइजेस आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो ये मैंने जो मंगवाया था ये था 299 रुपीज का, एंड सच अ ब्यूटीफुल टॉप। आप इवन इसको बाहर भी पहन के जा सकते हैं, आप घर में भी पहन सकते हैं, बट बाहर कहीं आसपास जाना हो तो आई रियली लाइक टी शर्ट्स। और मुझे टी शर्ट पहनना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली राउंड नेक की, बहुत कंफर्टेबल सी, एक स्मार्ट सी जीन्स डालो, टी शर्ट डालो, फुटवेयर डालो, स्लीपर्स डालो, आप अच्छे लगते ही लगते हो। सो ये है टी शर्ट, काफी डिसेंट सी है, काफी अच्छा सा कलर है, एंड या सिंपल कॉटन टी शर्ट है। ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगवाया है वो अगेन जॉकी का ही शॉर्ट्स है। तो ये अलग पैटर्न में है, हाँ वो अलग था, ये अलग है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव वाला था, ये थोड़े कम रेंज में है, 50 रुपये कम रेंज में है ये। आई डोंट नो, हमने अलग अलग तरह के सारे पैटर्न मंगवा लिए थे ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी उसको जमेगा, जो पैटर्न जमेगा वही आगे से मंगवाया जाएगा। सो यस, ये है शॉर्ट्स,
एंड आई रियली लाइक दिस वन एज वेल. सिंपल ब्लू कलर का, बिल्कुल बेसिक सा है जैसे लड़के घर में पहनते हैं उस तरीके का. उसके बाद मैंने मंगवाए थे विक्की के बर्थडे के टाइम पे, विक्की को बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए ली कूपर के शेड्स मंगवाए थे. आप मेरे रेगुलर व्लॉग के व्यूवर हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा, मैंने अपने व्लॉग में बताया था दैट विक्की के पास एक काफ़ी एक्सपेंसिव से शेड्स थे जो कि मिसप्लेस्ड हैं या पता नहीं गुम चुके हैं या कहाँ चले गए हैं, नहीं पता है हम लोगों को. तो वो उसके पास नहीं थे और उसने बहुत प्यार से वो खरीदा था. रियली वॉन्टेड टू गिफ्ट हिम शेड्स. सो ऑब्वियसली रेबन तो मैंने नहीं दिया उसको, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि जब गुम जाते हैं ना तब लिटरली बहुत दुख होता है. तो मैंने नॉर्मली मुझे मिड रेंज 5000 से कम का एक मुझे बजट मैंने बना के रखा था. एंड देन आई फाउंड दिस ली कूपर का जो शेड्स है, एक्चुअली उसके शेड्स नीचे कार में रखे हुए हैं तो मैं क्लिपिंग डाल दूंगी. बहुत सही आए थे, बहुत अच्छे फिटिंग के आए थे, उसके फेस पे भी अच्छा लग रहा था. इनफैक्ट ये मेरे फेस पे भी बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब वो नहीं पहनेगा तो मैं तो पहन ही लूंगी. उसके बाद जो नेक्स्ट टी शर्ट मैंने मंगवाया था वो मंगवाया था ये. एक्चुअली ये एक बार पहन के वॉश हो चुकी है, ये बर्थडे के दिन विक्की ने पहनी थी. आपने बर्थडे हॉल में देख लिया होगा, मैं पिक्चर यहाँ पर डाल दूंगी कि कैसा लग रहा था पहन करके. सो इट्स अ वेरी नाइस बेसिक यूएस पोलो की जो उनका स्टैंडर्ड टी शर्ट होता है उस तरीके का टी शर्ट है ये. एंड विक्की इन द साइज एम, उसको यूएस पोलो का एम साइज आता है. तो काफी अच्छा सा ब्राइट सा ऑरेंज कलर है एंड ये ऑरेंज कलर उसके पास था भी नहीं तो इसलिए मैंने ये मंगवाया है एंड इट वॉज गुड, उसको भी काफी पसंद आया था. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो मैंने मेरे लिए एक टॉप मंगवाया है. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉप. सो दिस इज बाय द ब्रांड वैन ह्यूसन एंड इतना बेसिक टॉप है ये, बट ये पहनने के बाद इतना सुंदर लग रहा था मुझे. आपने देखा होगा कि मैं यूजुअली जैसे मैं अभी सॉलिड टॉप पहनी हुई हूँ, बहुत रेयर ऐसा होता होगा कि मैं प्रिंटेड वाली या ऐसे टॉप्स अब तो फिर भी लेने लग गई हूँ, बट एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास हर कलर में सॉलिड टॉप्स होते थे एंड अभी भी मैं वही उसी में अट्रैक्ट होती हूँ, मुझे ज़्यादा डिसेंट एंड क्लासी लगते हैं. तो मैंने ये एकदम सॉलिड से ब्लू कलर का बोट नेक है, स्लीवलेस है एंड इसका स्लीव का जो ये कट है ना ये एकदम डिसेंट साइज में, जितना होना चाहिए उतना है. मुझे बहुत ज़्यादा कट होता है ना वो भी, उसमें भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा लगता है मुझे, बट ये एकदम प्रॉपर कट जितना है उतना होना चाहिए वैसा है. एंड ना ज़्यादा क्रॉप है ना ज़्यादा लॉन्ग है, परफेक्ट फिटिंग, स्मार्ट लगता है जीन्स के ऊपर, इतना सही लग रहा था ये टॉप. एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इतने अच्छे ब्रांड का टॉप मिल रहा है एंड साथ ही साथ इसकी फिटिंग एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो ये मेरा गो टू टाइप का टॉप रहेगा समर्स के लिए. तो इट्स ब्यूटिफुल, आई रियली लाइक इट. और मैं इसको पहन के दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. हाईली रेकमेंडेड दिस टॉप, काफी सस्ता है, बहुत सही है. उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने टी शर्ट मंगवाया था विक्की के लिए वो है ये एडिडास का टी शर्ट एंड दिस इज इन द प्राइस 868 रुपीज में मंगवाया था. ये तो उसने पहन भी लिया है, दो बार तीन बार पहन लिया, मतलब ये जिस दिन पहनने के लिए मंगवाया था उसके पहले ही जिस दिन मेरे को इसको गिफ्ट करना था वो ढूंढ ढांढ के इसने उस दिन पहन लिया. दो से तीन बार ये वॉश हो चुका है, अमेजिंग क्वालिटी, बहुत अच्छा है, कॉटन का है एंड या आई रियली लाइक इट. एकदम बेसिक सा टी शर्ट है, इसमें विक्की का साइज एल है. ये उसको थोड़ा सा लूज था और जिस दिन उसने पहन करके देखा उस दिन मुझे ये फील हो गया था कि उसको थोड़ा सा लूज है, बट उसने पहन ही लिया था सब टैग्स वैग्स निकाल करके, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है वैसे तो ये, बट हल्का सा ये लूज है, उसको एम साइज होता तो वो ज्यादा बेटर होता. तो ये है नेक्स्ट टी शर्ट, आई थिंक आपने व्लॉग्स में देख लिया होगा जिसमें उसने ये पहना था. उसके बाद एक और टी शर्ट है जो यूएस पोलो का ऐसे ही घर में पहनने के लिए मैंने मंगवाया था उसके लिए, तो वो भी अपने सारे कपड़े, काफी सारे कपड़े जो हम शिफ्ट हुए थे तो उसने डी क्लटर कर दिए थे. तो समर के लिए इतने ज्यादा टी शर्ट्स है नहीं, जो है वो पुराने हो गए, एज यू नो वो खुद तो कभी खरीदता ही नहीं है, तो मैं उसके लिए ले लेती हूँ. तो मैंने नेक्स्ट जो खरीदा था वो है ये यूएस पोलो का ब्लैक कलर का बेसिक टी शर्ट है एंड अगेन एम साइज में है, परफेक्ट फिट में है, ब्लैक है, बेसिक सा टी शर्ट है, घर में पहनो बाहर पहनो जहाँ भी पहनना है वहाँ पहनो वैसा टाइप का है ये. सो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट. उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट परचेस किया है वो अगेन मैंने बताया ना विक्की के लिए चार शॉर्ट्स मैंने मंगवाए थे, तो वो दो मैंने आपको दिखा दिए, दो और हैं जस्ट बेसिक शॉर्ट्स वही है तो उसको मैं क्या ही दिखाऊं. तो ये दो और मैंने एक्स्ट्रा मंगवाए थे. उसके बाद आते हैं मैंने अपने लिए एक इनर वेयर शॉप किया है वैन ह्यूसन का ये ब्रा. मैंने वैन ह्यूसन के अंडरगार्मेंट्स के बारे में बहुत सुना था, बहुत ज़्यादा सुना था, तो माई फ्रेंड लिटरली यू नो रेविंग अबाउट देयर दिस ब्रा एंड शी लिटरली सेंड मी द लिंक और मैं ट्राई करना चाहती थी बहुत टाइम से. मैंने इस टैग्स वैग्स आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा बिकॉज आई लिटरली ट्राइड इट
2 to 3 times and I loved it. मैंने इस तरह के 3 set मंगवाए हैं. I have only tried Jockey and then अभी Zivame के, तो क्योंकि collaboration से काफ़ी सारे already आ जाते हैं तो मैं वही use करती हूँ. But first time मैंने Van Heusen का try किया है and this is one of the most comfortable and amazing bra. समर्स में मैंने के लिए दिस वन इज द बेस्ट. आप एक लेकर के ट्राई जरूर करिएगा, आपको इतना मजा आ जाएगा कि आप, मुझे नहीं लगता फिर आप शायद कोई और ब्रांड आपको घर में पहनने के लिए इतना पसंद आएगा. दिस इज सो कम्फर्टेबल. लुक एट द स्ट्रैप ऑफ दिस ब्रा, इट्स वेरी थिन, इट्स वेरी वेरी कम्फर्टेबल एंड बहुत स्ट्रेची एंड बहुत कम्फर्टेबल है. आई रियली लाइक इट, बट यू शुड ट्राई दिस वन, दिस इज अमेजिंग. उसके बाद लास्ट जो मैंने टॉप ऑर्डर किया है वो अगेन फॉरएवर 21 का. ये ऐसे लूज पैटर्न का टॉप है. आपने मेरे को देखा होगा बहुत मैं ऐसे लूज फिट के टॉप्स पहनती हूँ जब मैं कहीं मार्केट जा रही होती हूँ, या आपने देखा होगा मैं कहीं सलॉन वगैरह जाती हूँ, कहीं पे भी आसपास जाती हूँ तो आई प्रिफर वेयरिंग ऐसे टॉप्स. तो फॉरएवर 21 का मैंने ये टॉप मंगवाया, थोड़ा बैगी स्टाइल में. बर्नड ऑरेंज एंड बर्नड ब्राउन जो होता है ना उसका मिक्स कलर है. सो आई रियली लाइक द कलर. आई एम जस्ट फिगरिंग आउट कि ये इसका जो नेक है ना वो बहुत ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत डीप नेक में मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ. बिकॉज नॉर्मल डे टू डे लाइफ के टॉप्स पहनने के लिए तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको कॉन्शियस नहीं होना पड़े. है तो ये है मेरा नेक्स्ट टॉप और यस दैट्स इट. तो यस दैट्स इट फॉर माय वीडियो. सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, साथ ही साथ माय हॉल स्टोर की लिंक भी डाल दूंगी, तो चेक जरूर करिएगा. एंड दैट्स इट फॉर माय वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. एंड आप बताइएगा कि इसमें से आपने क्या शॉपिंग किया. मेरे जो 2 top picks हैं मेरे लिए, एक तो Van Heusen का वो ब्रा जो मैंने आपको दिखाया वो, एंड सेकंड नंबर पे जो Van Heusen का वो स्लीवलेस वाला टॉप है, ये दोनों मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट है. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.